डुअल नेचर ऑफ लाइट रो फास्ट एप्लीकेशन टाइम में देखिया को जाउचे दैट इज योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन कहली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फास्ट के हमें जानिबा ए फोटो वर्ड रो माने कौन हला फोटो वर्ड मींस योर लाइट ओके मींस एठे देखो गोटे जिनस हेथि बनी हाती जे लाइट को यूज करके हमें कौन बाहर करथिबा इलेक्ट्रिसिटी मींस प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग लाइट एज ए सोर्स ओके सोर्स ऑफ एनर्जी तो यार डायरेक्ट एप्लीकेशन होची वर्तमान टाइम रे जोटा हमें देखुचे सोलार सेल ला सोलार सेल रे कौन थाए आ बेसिक प्रिंसिपल टा कौन सेटा होची फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो एटा को फास्ट ही हर्ज एक्सपेरिमेंट करथिले हला हर्ज ए एक्सपेरिमेंट रे सक्सेसफुल हेथिले तो से कोन कहिथिले ओटे स्टेटमेंट जे सेटा को टिके देखियो पडियो देखो जेतले सोलार सेल को होची घरे छत ऊपर ओटे सोलार पैनल लगे दिया होची तो ता ऊपर सनलाइट पडले हमर करंट प्रोड्यूस होची तो सेटा ही स्टेटमेंट केमिति स्टेटमेंट को होची देखो When a metal surface is irradiated means ता ऊपर उटे light पड़ला irradiated माने कौन सी जिन्स ऊपरे light पकेवो ला irradiated with a light of suitable energy then electrons from the surface कौन कहेगी then electrons from the metal surface is ejected okay ejected bujhela and etiki and may or may not have a kinetic energy to produce electric current okay etiki jinisho ba to produce electric current etiki jinisho id देखो व्हेन ए मेटल सरफेस इज रेडिएटेड विथ एतिकी द फेनोमेना द प्रोसेस और द इफेक्ट इज कॉल्ड कौन हे जीवो ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ओके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एई डेफिनेशन रे मोस्ट इंपोर्टेंट जिंस दुईटा तीनटा जिंस अछि ओके मु सेटा को फास्ट कहि दिए एठी सबुठो इम्पोर्टेंट जिनस एटा हला एटा ठीक अछि ता परे अछि ना इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस किए ना इलेक्ट्रॉन हला तो एई जिनस आ गोटे अछि मे और मे नॉट हैव अ काइनेटिक एनर्जी ए सब जिनस को बुझिबा बट फर्स्ट एई सुइटेबल एनर्जी टा को बुझिया को पडियो हला सेटा को केमिति बुझुछि ठीक अछि ए स्टेटमेंट रे विशेष हमर असुविधा हबो नाही जदि आमे ताको ठीक रे बुझिबा ठीक अछि
देखो एठे मु गोटे मेटल सरफेस नै ओके मेटल सरफेस रे बहुत सारा आटम रहिबो तमरो गोटे दिटा आटम न हम बहुत सारा एमते आटम्स थिबे ओके सब आटम रे इलेक्ट्रॉन अछि सपोज तमे आ एते चित्रण न देखि कि केवल गोटे इलेक्ट्रॉन गोटे आटम रे अछि सेटा को चिंता करो हला इजीली बुझिया पई गोटे इलेक्ट्रॉन कथा खाली चिंता करै छी ओके तो वर्तमान एई सरफेस उपरे मु लाइट पकोच जो लाइट पड़े ता नाहला इंसिडेंट रेडिएशन जे पड़े ता नाहला इंसिडेंट रो वर्ड रो मीनिंग हला पड़ीबा लाइट पड़ीबा हला कोनोसी जिंसटा पड़ीबा इंसिडेंट रेडिएशन और इंसिडेंट लाइट हला आ प्रत्येक लाइट रो गोटे एनर्जी थिबो सपोज ताको कहली केते ई ठीक अछि वर्तमान देखो ठीक कथा ता चिंता करो एटा गोटे मेटल सरफेस रे गोटे इलेक्ट्रॉन लागी कि अछि तमे ताको बाहर करिया पई चाहुचो मेटल सरफेस छाडी कि से जीवो किछ एनर्जी दरकार होथु हला से जो एनर्जी ता मिनिमम एनर्जी हेतबो मिनिमम केते एनर्जी देले इलेक्ट्रॉन ता बाहर कि जीवो हला तो एठी जो टर्म ता आसिला जे मु इलेक्ट्रॉन बाहर करिया कथा कहूची देखो ताको कहिबी द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम metal surface is called कौन है जीवो नहीं या कोटे टर्म कहंती threshold energy कौन कहंती threshold energy clear हाँ यार आगोटे भी ना अच्छी या को कहंती work function okay जाने हला याकु ताहले हेडिंग दे देली कौन थ्रेशोल्ड एनर्जी ओके याकु वोटे सिंबल भी दे दूँ ए पटे एनर्जी तक नहीं थली ई इंसिडेंट रेडिएशन रो एनर्जी याकु कर देली ई जीरो ओके तो इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड ठीक अच्छे हला ओके देखिलो वर्तमान मु एठु कहि परबी जे एठु मु एटा देली ये बाहर के एठु जाउची इलेक्ट्रॉन टा एठी के बाहर गला माने मेटल सरफेस छाडी देला ता पई एनर्जी दरकार होची ई जीरो तो मिनिमम एनर्जी टा ई जीरो तो से मिनिमम एनर्जी टा केते किछि त ओटे कंडीशन थिबो से कंडीशन टा को हमको आइडेंटिफाई करिवार अछि वर्तमान हमको से कंडीशन टा आइडेंटिफाई करिवार अछि ठीक अछि देख ताको केमती मु को कंडीशन देखि गले सेटा इजी हे जाउछ सेटा को देखि लेबा ओके एई सुइटेबल टर्म टा एबे आसीबो ठीक अछि ठीक खाली माइंड रे रखि थाओ एई सुइटेबल टर्म टा कोन टा ठीक अछि त एबे कहिबी ता विषय देखो वर्तमान में कोन करले ना एई जो जिनसटे देखिले हमें एई थिरो आउ कौन पाइला आमे कौन पाइले आउ ना वर्तमान देख तमर जो सपोज मु केस 1 करके कर देले फर्स्ट केस रे कोन करबी केमिते ताको एक्सप्लेन करू छी देखो सपोज तमर ई थ्रेशोल्ड एनर्जी टा 10 किलो जूल ता माने तुमको केते किलो जूल एनर्जी दरकार है इलेक्ट्रॉन टा को बाहर करिया पई सरफेस रु ना 10 किलो जूल एनर्जी ओके तमे दोउचो केते एटा हला तीनटा केस आसी बैठे कोन ना फर्स्ट केस रे कहिली इफ ई इज लेस देन ई जीरो ता माने दरकार तमरो 10 किलो जूल तमे इंसिडेंट रे एनर्जी टा देइचो 8 किलो जूल कते कहली 8 किलो जूल एई केस रे तमरो रिक्वायर्ड अछि 10 किलो जूल देई छ 8 किलो जूल केबे भी इलेक्ट्रॉन टा दे परिबो कि
तमें चारटा कदमी खाइले तुम पेट फुल तुमको दिखाई गोटे कदमी तुम पेट के फुल हम कि हमें एक्जाक्टली से जिन 10 किलो जूल दरकार दौ 8 किलो जूल के इलेक्ट्रॉन बाहर पार तो यही केस रे नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नो इजेक्शन ऑफ कौन कहली इलेक्ट्रॉन बुझे फर्स्ट केस टा तो आम यहीटा को कही पार कि सुइटेबल एनर्जी के नुह तो यहाँ दिस इज नॉट सुइटेबल एनर्जी ओके क्लियर वर्तमान केस टू को चल ओके केस टू रे कौन है ना मु कह मोर दरकार अच्छी 10 किलोजूल मुझे 10 किलोजूल ताने इफ इंसिडेंट रेडिएशन एनर्जी ई इज इक्वल टू ई जीरो ओके ठीक अच्छे अच्छा एई कंडीशन टा को टिके बुझिबा पूर्वरु मु थर्ड कंडीशन टा रु टिके बुल दे आसे ओके ताहले ई सेकंड कंडीशन टा बेटर रे बुझि परबो गोटे अछि लेस देन गोटे कहले इक्वल्स थर्ड कंडीशन रे कोन करबी इफ ई इज ग्रेटर देन ई जीरो हला दरकार केते किलो जूल 10 किलो जूल सपोज तमे नै छ 14 किलो जूल ओके तो 10 किलो जूल एनर्जी पाइला परे इलेक्ट्रॉन टा ऊपर पड़ी थियो त माने एमते थिला 14 किलो जूल पकेलो 10 किलो जूल खर्च कर देला ये छाड़ी के पड़ेला मेटल सरफेस ओके वर्तमान एठी इलेक्ट्रॉन टा एयर रे उड़ुची हायर स्टेट रे माने हाई एनर्जी लेवल है कि से बाहर अच्छी एटम बाहर सरफेस ऊपर ओके वर्तमान या पाखरे केते एनर्जी अच्छी केते एक्स्ट्रा एनर्जी देइथिलो 14 खर्च हिची देइथिलो 14 खर्च हिची केते 10 तो रिमेनिंग अमाउंट केते 14 माइनस 10 तो केते किलो जूल 4 किलो जूल ये जो एनर्जी टा अछि इलेक्ट्रॉन पाखरे अछि ओके ए इलेक्ट्रॉन ए एनर्जी टा को निजर मोशन रे यूज करे मोशन हेले गोटे इलेक्ट्रॉन रो ताकू कौन तार कौन आसी जीव काइनेटिक एनर्जी हला तो काइनेटिक एनर्जी पाई सो एई कंडीशन रे मु कहि परबी इलेक्ट्रॉन अच्छा इठे आ गोटे जिंस कहंदी देखो लाइट टाकू आमे यूज करि कि इलेक्ट्रॉन टाकू बाहर करू छे हला तण करे ई जो इलेक्ट्रॉन टा बाहर रे लाइट जोगु याकू कहली फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर छ तन करिया ना कोन हेला फोटो इलेक्ट्रॉन क्लियर तो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहरी बा पाई जदि ई इज ग्रेटर देन ई जीरो ताहले ई बा फोटो इलेक्ट्रॉन हैज कोन हे जीवो काइनेटिक एनर्जी हला से काइनेटिक एनर्जी टा केते होउची देखिलो मो लेखि पारिबी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 14 टा कोन थिला ई 10 टा कोन थिला e0 सो मु लेखि पारिबी दिस इज इक्वल्स टू e माइनस e0 क्लियर तो काइनेटिक एनर्जी टा एति कि रहिला तो ए जिंस टा जानला परे टिके इठी के बैक करिबा जति आमे दोउचे केते किलो जूल 10 किलो जूल दरकार होउचे केते 10 किलो जूल तो इठी काइनेटिक एनर्जी टा केते हि जीव देखिलो e माइनस e0 दीटा जाक समान अच्छा सो जीरो माने इलेक्ट्रॉन टा बाहरी जीव सत एमती थिला लागि कि मेटल सरफेस रे से जस्ट बाहरी जीव किंतु मूव करिवो ना नहीं करि परिवो नहीं हला सो एठी हे जीव कोन द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मूव ओके कैन नॉट बट एठी कोन हुए सो आउ टिके कहुछ जदि इलेक्ट्रॉन टा मूव न हैला एई केस टा को टिके मन ने पकेलो सोडियम रो एटॉमिक नंबर सपोज 11 थिला आमे कहुथले 281 यार आउटर मोस्ट रे केते टा इलेक्ट्रॉन अछि गोटा ओके ए जो गोटे इलेक्ट्रॉन अछि वर्तमान सी इलेक्ट्रॉन टा जेतबे मु बाहर कर नउछ गोटे इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस रे ही एटा थिबो
मेटल ए सोडियम एटम रो तो हम गोटे इलेक्ट्रॉन बाहर कर देली ये कौन हो जाए एन ए एटा को हमें कौन कहंती गोटे आयन ता माने गोटे एटम रो इलेक्ट्रॉन रो रिमूव हेल हेले हमें कौन प्रोड्यूस करूचे आयन तो से प्रोसेस टा को कौन कहूचे ना आयनाइजेशन एई केस रे हमें कहूचे कि इलेक्ट्रॉन टा बाहर की कोडे दौड़ी की पड़ेला बोली कहूने हला तेणु करी एटा कौन हे जीव आमे तार काइनेटिक एनर्जी सहित किसी संपर्क नै तो आयनाइजेशन प्रोसेस रे काइनेटिक एनर्जी हमर नथिले चलुछि तो एई प्रोसेस टा को मु कहूछि दिस इज कॉल्ड कौन हे जीव ना आयनाइजेशन क्लियर कौन कहला कला आयनाइजेशन को कंडीशन रे व्हेन ई इज इक्वल टू ई जीरो इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू कौन तमर थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन ओके अच्छा एठी उठे जिंस देखो एई केस रे इलेक्ट्रॉन टा काइनेटिक एनर्जी रखी छि बा तार अछि काइनेटिक एनर्जी एठी केतु केते हेला जीरो आमे जानि छे कोनसी जगह रे करंट प्रोड्यूस होबा पई इलेक्ट्रॉन रो मूवमेंट होबा दरकार इलेक्ट्रॉन टा जो डायरेक्शन रे मूव करथिबो करंट टा तार ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर हला एटा फिजिक्स एटा करंट इलेक्ट्रिसिटी पाठ एटा केमिस्ट्री एटा मैथ हला जे कोन जो पटे दिबो इलेक्ट्रॉन तार ऑपोजिट साइड रे करंट रहबो हला तो ए जो जिंसटा देखलो कोठी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट अछि एठी तुम कर एठी मु कह परबी करंट इज प्रोड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड बुझ पाल तो काइनेटिक एनर्जी रहिले ही फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देखौछि एई केस रे करंट प्रोड्यूस होनि तन करे हम खाली कोन कहौछि ताको आयनाइजेशन सो एठी कहि देबी नो करंट इज प्रोड्यूस्ड ओके नो करंट इज प्रोड्यूस्ड क्लियर हला तीनटा देख केस विषय जानि गले अच्छा जदी जानिले चलो जीवा टिके तार डेरिवेशन पार्ट को ओके डेरिवेशन पार्ट को जत बळे जाउची सब जिंस कहि दिछि तमको बतान डेरिवेशन पार्ट रे आ कोन कहिबी अच्छा मते गोटे जिंस को ह एई दीटा जक कंडीशन हमर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट रो कंडीशन नु ह कि हां जे इथेरे सेना करंट प्रोड्यूस होनि फोटोइलेक्ट्रॉन टा त प्रोड्यूस होइछि तमे ता परे भी एनर्जी देले से मूव कर परबो थरे बाहरि गला परे से मूव करबा दायित्व तमर जदि मूव न करथो से तमे करबार अछि ओके त मु कहि परबी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट रो फाइनल कंडीशंस कोन हे गला ना ई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई जीरो क्लियर एतिक बाट जाय पहुंच गेले ओके चलो टिके जिबा क्वाडे ना ए थ्रेशोल्ड एनर्जी विषय गोटे दिटा जिंस टिके डिस्कशन कर दो ओके त ए केसन टा हमर काम करू हम ताकू टिके लिभै देली ठीक अछि अच्छा तो एबे मु कहि परबी ए जो थ्रेशोल्ड एनर्जी टा को लेखी थिली मु ताकू E0 इक्वल टू आमे एनर्जी टा को केते लेखंथि कि E इज इक्वल टू h न्यू ना तो एठी खाली ओटे जीरो थोइछि माने एपटे कोन करथिबी जीरो ओके तो न्यू जीरो टा को कोन कहिबी ना एटा को कहूछि थ्रेशोल्ड एनर्जी तो एटा को कहिबी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ओके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ओके वर्तमान देखिलो एथिरो आमे पाई पारिया कि ई इज प्रो ई0 इज प्रोपोर्शनल टू न्यू 0 हबो ठीक अछि एकेन मु ए इक्वेशन तारो एटा लिखि परबे कि ई0 इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा 0 जोठि कि लैम्डा 0 हेथिबो कोन ना थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ओके जेतळे मु थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पाइ गली मु बतन एथिर कहि परबी कि तमकु जे ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा 0
ओके देखो किसी बही कौन लिखाही था से कहली ना तुम पुणी क्वेश्चन रे थी तुम्हें मत गाड़ी दबो कह मास्टर किसी पढ़े ओके तो कौन है ना देख क्वेश्चन रे थी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड ये लिखाही एनर्जी क्वेश्चन में पड़ थी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन तो तुम्हें जब मिनिमम फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम वेवलेंथ कि मिनिमम वेवलेंथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जानी थी सीना कर ना कौनटा कर किसी कर तो जानवर बाट कौन देख यू देखिपार थ्रेसोल्ड एनर्जीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन है न्यू जीरो थ्रेसोल्ड फ्रीक्वेंसी आ थ्रेसोल्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मुठी थ्रेसोल्ड एनर्जी को कही मिनिमम एनर्जी ताहले जदि एई पटटा हैला मिनिमम कौन कहली इ जीरोटा जदि मिनिमम ता न्यू जीरोटा कौन हो मिनिमम कौन दुटा जाक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैला किंतु जेतेबेले मु एई लैम्बडा टर्म रे कहूची एई पटटा हेथिबो मिनिमम कौन पाए आमे नेइचे एनर्जीटा मिनिमम एनर्जी हैला तो लैम्बडाटा कौन हेथिबो लैम्बडा जीरोटा ना मैक्सिमम वेवलेंथ ओके उल्टा ही थी जेहेतु इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो मोर क्वेश्चन ने दे थी जदि द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन ताहले कहार वैल्यू दे छी बोली बुझी जेबी न्यू जीरो हला जदि दे थी मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन ताहले कहार वैल्यू दे छी बोली बुझी जेबी लैम्बडा जीरो बुझी पारल केमती सब क्वेश्चन दे थी आउ एठी तो ऑलरेडी कही सारी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड जदि कही थी ताहले कौन वैल्यू दे छी इ जीरो तो को वैल्यू कोठी पकेइबो जानि पारल एबे तो प्रॉब्लम करले आ बेले आ बेसी असुविधा हबनी ठीक अछि वर्तमान चल जीवा यार डेरिवेशन पार्टा को तो काम सर जीवा हमर ठीक अछि तो डेरिवेशन पार्ट रे विशेष किछि माने कष्ट जिनस नाही हला तो आमे जोटा पढ़िले काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इ माइनस इ जीरो से ही सब तक डेरिवेशन हो ठीक अच्छे देख कौन कली ना वी हैव कौन पाइच काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इ माइनस इ जीरो इंसिडेंट रेडिएशन माइनस थ्रेसोल्ड एनर्जी सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इ जगार मुझे लिखिदेवी एच नी ओके माइनस एटा इक्वेशन वन कर दे था इ जीरो जगार के पक एच न्यू जीरो करेक्ट बर्तमान कौन कर दि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच टा कमन नहीं दि न्यू माइनस न्यू जीरो एटा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जदि दे थिबो तुमको इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी आउ तुमर कौन थ्रेसोल्ड फ्रीक्वेंसी दे थिबो सेटा नहीं कर दे पारियो एटा इक्वेशन हला एगेन आमे कौन जानिचे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू जगह पके दे पारि सी बाय लैम्बडा वेवलेंथ टर्म हला तो न्यू जीरो टा को केते लिखबि सी बाय लैम्बडा जीरो तो एथिर कौन पाउच इक्वेशन टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच सी ओके वन बाय लैम्बडा माइनस वन बाय लैम्बडा जीरो क्लियर तो एटा हिज बो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ इक्वेशन थ्री कर देले जब तुमको मैक्सिम ए जो इंसिडेंट वेवलेंथ आ थ्रेसोल्ड वेवलेंथ दे थिबो ताले इक्वेशन पके बेले बेले धर पचार तुमको वेव नंबर रे करो तो एटा को एच सी कर देली वन बाय लैम्बडा टा को लिख परबी न्यू बार वेव नंबर ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एटा को लिख देबी न्यू जीरो बार वेव नंबर ऑफ कौन थ्रेसोल्ड एनर्जी बा थ्रेसोल्ड कौन वर्क मेटल हम ठीक अच्छे एटा इक्वेशन कौन है गला फोर बुझेला ना ना एटा वेव नंबर ऑफ थ्रेसोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन ला थ्रेसोल्ड एनर्जी भी कही पारिबो ठीक अच्छे ए जाय बुझी गलो बेले बेले पचार थाए जो फोटो इलेक्ट्रॉन टा बाहरी छि ता वेलोसिटी केते हला तो तमे जानि छ केते काइनेटिक एनर्जी टा हाफ एम वी स्क्वायर एथिर कर दिछ ओके
तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू केते लिखुची एच न्यू माइनस न्यू जीरो ओके तो मत बाहर करियार अछि वी स्क्वायर टैग रखी था तो एटा कोन हे जीवो 2h by m न्यू माइनस न्यू जीरो हब तो वी टा केते हे जीवो ना रूट ओवर ऑफ हेति की 2h by m न्यू माइनस न्यू जीरो करेक्ट तो एथिरो गोटे जिंस मार्क कर जे तुमको एटा जणा अछि प्लैंक्स कांस्टेंट m माने इलेक्ट्रॉन रो मास भी जणा अछि तुमको ए दिटा देइथिबो तो तुम वेलोसिटी काट पालो ना नै फोटो इलेक्ट्रॉन रो आसीबो हम अच्छा जति एठी मु करि पारली एत्ते सारा जिनिस एठी गोटे दुटा इन्फॉर्मेशन दे देले मोर पाठ सर जीवो हला तो कोन इन्फॉर्मेशन टा ना तमरो देखो सपोज एटा कहली मु एटा ठीक ए पाटली भेद होछि ठीक अछि देख सपोज मु कहली गोटा अछि तम पाखरे लोहा गोटा अछि एल्युमिनियम आ गोटा अछि सोडियम तीनटा कोन अछि मेटल प्लेट अछि ओके तो एहे टटेली भेदली और ठीक अछि तीनटा प्लेट अछि गोटा अछि एल्युमिनियम गोटा अछि आयरन गोटा अछि सोडियम ओके एई भितरु समस्तंकर न्यू जीरो एल्युमिनियम माने ई जीरो एल्युमिनियम कह परबो वर्क फंक्शन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एल्युमिनियम सरफेस सेटा मिनिमम एनर्जी टा ओके एटा को कहबी ई जीरो आयरन एटा को कहबी ई जीरो सोडियम तो तीनटा जकर ई जीरो गुडा को केबे समान हेथिबे की ना कोन पे ए माने डिफरेंट मेटल तांकर इलेक्ट्रॉन टा केते टाइटली लागी कि अछि ता ऊपर डिपेंड करबो ई जीरो हला तो फॉर ईच एथरो कोन जानले फॉर ईच मेटल द वर्क फंक्शन और योर कोन कहंती ना हमर थ्रेशोल्ड एनर्जी इज डिफरेंट ओके तो एत्ती की जिनस जानी गला परे मु आ गुटी मात्र ग्राफ करिया को जाउ छी तो ग्राफ कर देले हमर थ्रेशोल्ड एनर्जी टा पाठ सर जीवो ओके ए सॉरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पाठ सर जीवो ग्राफ टा पई ई गुटी प्लेट रखी छी हला गोटे प्लेट रखी देले मोर हे जीवो ठीक अछि देखो ग्राफ पई कोन करली मु गोटे मेटल प्लेट रखी छी हला सपोज एठी इलेक्ट्रॉन टा अछि इलेक्ट्रॉन टा मते बाहर करे कि नबार अछि एवं ताको मूव करेवार अछि ओके देखो मु कहा कहा भीतर ग्राफ करिया पई चाहु छी सेटा को देखिबी मैं मु एपटे रखली काइनेटिक एनर्जी को एपटे रखी छी इंसिडेंट रेडिएशन रो केते माने फ्रीक्वेंसी को ठीक अछि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी न्यू न्यू जीरो नो ठीक अछि तो देखो वर्तमान सपोज e0 इज इक्वल टू 10 किलो जूल ठीक अछि तमे दोउच जो लाइट सेटा हला e आ e तार वैल्यू टा माने डिफरेंट डिफरेंट नउ छे जेतेले e इज इक्वल टू 10 किलो जूल e0 टा 10 किलो जूल काइनेटिक एनर्जी केते हे जाउ छी 10 माइनस 10 एटा को कंडीशन e इज इक्वल टू e0 कंडीशन ओके एक केसर केते हि जाउ छी काइनेटिक एनर्जी 0 तो सेई टाइम रे काइनेटिक एनर्जी एक्सिस रो पॉइंट कोन थिवो 0 रे तो एठु स्टार्ट हबो किंतु देखो न्यू रो वैल्यू कोन 0 अछि ए जो ई 0 लिखी छी सेटा केते अछि एति की तो या पई मु केते लिखिबी एच न्यू 0 इज इक्वल टू 10 किलो जूल ए सर नो तो एठु न्यू 0 टा काढले एटा केबे न्यू 0 टा कोन 0 होछि की not equals to 0 तन करे पिला 8 एमते लाइन कर दियो सेटा भूल हो जीवो ठीक अछि पण बाय न्यू 0 रो वैल्यू टा कोटे वैल्यू रही छि किछि कोटे समथिंग वैल्यू रही छि हला तो एई पॉइंट रो स्टार्ट हो ठीक अछि ता पर देख मु ई वैल्यू टा को वर्तमान बढ़ई बढ़ई जाउ छि इंसिडेंट रेडिएशन टा बढ़ई बढ़ई जाउ छि हमें एटा तो कोटे मेटल पे फिक्स डिफरेंट मेटल नले अलग अलग आसीबो किंतु एई मेटल ऊपर करूची माने एटा पई तो फिक्स ओके
जेटा पाई फिक्स हो जाए कौन कल बर्तमान देख 12 किलो जूल देली है तो 12 किलो जूल देले काइनेटिक एनर्जी केतेजी तुम ना 12 माइनस 10 तो कते 2 किलो जूल ताने काइनेटिक एनर्जी कौन है बढ़ीगला ताने एपटे तुम कौन बढ़ टे देख इज इक्वाल टू एच न्यू माने इ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू ओके तो मुटा बढ़ी देख डायरेक्शन में न्यूटा बढ़ी न्यूटा बढ़ी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ी जीरो थिला काइनेटिक एनर्जी बढ़ी सेमती जो यहाँ 14 किलो जूल नहीं जी से पुणी कौन हो काइनेटिक एनर्जी 14 माइनस 10 तो कैसे हो जाए 4 किलो जूल है तो आहुरी न्यू बढ़ला तो आहुरी एनर्जी बढ़ला हला जेतबेले 20 किलो जूल कर देबी ईटा त माने न्यूटा आहुरी बढ़ गला तो काइनेटिक एनर्जी केते हे जाउची 20 माइनस 10 जे केते हे गला 10 तो आहुरी वैल्यू बढ़ गला तो या ग्राफ टा केमिति आसुची ना एमिति सॉरी पॉइंट टा पडलानी मो तो जो लाइन टा पूरा सीधा हिच ना स्केल पडला बे नै हो हस कोन अछि बट पाठटा बुझि गलो हला नो प्रॉब्लम एठी कौन अच्छी न्यू एपटे कौन रखिली काइनेटिक एनर्जी वर्तमान जो मिनिमम वैल्यूटा को कौन देली न्यू जीरो जोटा कि थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी बुझेगा हाँ एतिक तुम कौन ना यार ग्राफ्टा ओके जाना आ गोटे मात्र ग्राफ बेले बेले एंट्रान्स लेवल पचारे जे जदि जड़े एमती ग्राफ कर इंटेंसिटी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी कौन कहली एपटे काइनेटिक एनर्जी एपटे नहीं जाइ थिबो इंटेंसिटी हला इंटेंसिटी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सकाळे भी देखा जाए सकाळे जदि सूर्य किरण पड़िबो सोलार प्लेट रे भी करंट दबो दिही पहरे पड़ले भी करंट दबो तो कौन सी टाइम रे से कम बेसी हुए कौन पाई ताकू केवल डिपेंडेंट से कहा उपरे ए थ्रेसोल्ड एनर्जी टा केते एतिके एनर्जी रो अधिक बा समान पाई गले से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखे दउ छी तण करे तमे बेसी खरा दियो कम खरा दियो ता से तार की संपर्क नै ताकू जदि एतिके अमाउंट रे एनर्जी मिनिमम मिलि जिवो से करंट दे दउ हला तण करे इंटेंसिटी बेसी जोर रे खरा काटू कम खरा काटू ता से तो कोनोसी संपर्क नै तो काइनेटिक एनर्जी टा बेसी खरा कम खरा रे किछ भी चेंज होवन हला तेन करे ता लाइन टा कोन हे जीवो पैरेलल टू इंटेंसिटी एक्सिस बुझे हां ना एतिक जिंस जान पेलन एतिक ऑल अबाउट योर कोन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखि दियो कोन अछि न अछि डाउट थिले पचारिबो थैंक यू ऑल।